हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री गायत्री इन फैमिली ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल का स्वागत करती हूं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूं। तो यहां देख रहे हैं आप, मैं कपड़ों का ढेर लगा के बैठी हूं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे वॉशिंग मशीन पर रखे और तो एक के बाद एक रखे जा रहे थे, तो मैंने सोचा आज इनको वॉश कर लेते हैं। तो मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी क्योंकि पानी गिर रहा है, तो मैं इनको सुखाऊंगी मशीन में, तो मशीन ही लगा लेती हूँ। और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ बताने वाली हूँ। एक भाई ने अपनी बहन को रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट दिया है और कैसे आया है और कैसा लगा बहन को, तो फुल वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा वॉइस ज़्यादा हो रही है क्योंकि पानी की बाहर मोटर चल रही है, इसलिए थोड़े बाहर वॉइस हो रही है। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इनको देखिए, दोनों को बहुत बहुत खुशी मिलती है मुझे इन लोगों को देखकर, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कपड़े धोने के लिए रख दिए हैं मैंने, तो उनको गला दिए थे, मशीन में निकाल दूँगी फटाफट। और पूजा हो चुकी है मेरी, दूध चढ़ा देती हूँ बॉयल होने के लिए। आज बनाने वाली हूँ मैं भुट्टे की कचौरी, जो हाउ टू के बनाया था, तो मैंने थोड़ा सा रख दिया था बट मसाला कि मैं ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसको। एक कचौरी मैंने नहीं बनाई थी, ये इसके से रख दी थी इसको, और ये मसाला रखा है तो इसकी बनाते हैं भुट्टे की कचौरी। आटा तैयार कर लेती हूँ फटाफट, बहुत बहुत टेस्टी लगती है, क्रिस्पी लगती है और बिल्कुल जैसे हम दाल की कचौरी बनाते हैं ना, उससे भी समझ लीजिए अच्छी टेस्टी लगती है। और फटाफट बन के तैयार हो जाती, टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा। देखिए ऐसे काम हुआ, कभी कभी ऐसे काम होते हैं। ये बेसन का आटा डाला है मैंने, मुझे बताना किस तरह से बनाते हो आप, किसी तरह से बनाते हैं क्या जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो इसकी जो फुल रेसिपी आपको देखना है तो आप मेरे हाउ टू मेक पे जा सकते हो या फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये भुट्टे की स्टफिंग जो तैयार करते हो किस तरह से तैयार करनी है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको जानना है तो। तो आपने देखा मैंने किस तरह से कचौरी बनाई है, और इस तरह से गोल करके फिर इसको दबा देंगे धीरे धीरे करके, और जॉइंट पे है ना पानी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो खुल जाएगा फ्राई करते समय। और इसी तरह से मैं सभी बना के रख लूँगी और बहुत ही फुली फुली और टेस्टी क्रिस्पी कचौरी बनके तैयार होती है। जिस तरह मूंग की दाल की कचौरी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से बनती है ये भी, बस स्टफिंग इसमें रहता है जो भुट्टे का रहता है ना, कि उसकी स्टफिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने सभी को करके रख लिया, अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते समय भी मैंने ये तेल लिया था, कल जो कचौरी बनाई थी वही तेल बच गया था, तो मैंने इसी को ले लिया है। और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, अच्छे से मतलब ये नहीं है कि एकदम बहुत तेज़ गर्म कर लो उसको आप, मतलब मीडियम फ्लेम पे आपको इतना गर्म करना है कि कचौरी डालते समय सिर्फ इतने बबल से आए। देखिए तेल का ध्यान रखना है, तेल ज़्यादा गर्म होता है तो कम कर दीजिएगा, इतना ही तेल रखना है हमको गर्म। तो मैं गैस को कर देती हूँ थोड़ा कम पे,
ओ बस इसी तरह से मैं इनको मीडियम फ्लेम पे और लगातार मतलब इस तरह से चलाती रहूँगी। स्पून को पलटना नहीं है इसको, जब एक साइड से अच्छे से सीख जाए ना उसके बाद इसको पलटेंगे, फूल के ऊपर आ जाती है ये, उसके बाद इसको पलट दो आप। और यहाँ देखिए मैं बना के रख रही हूँ, और यहाँ पर काव्या आई है तो वो मतलब रो रही है, गिन गिन कर रही है, मुझे 3 कचौरी बना के दो। तो फिर मैंने कहा आप 3 कचौरी खा लेना। ये देखिए मैं बेल के बता रही हूँ आपको कि बेल के भी आप इस तरह से बना सकते हो, स्टफिंग करके और चारों तरफ से अच्छे से बंद करके मुँह पे पानी लगा के, और इस तरह से आप इसको बेल सकते हो। अगर आपको उस तरह से नहीं आती तो आप इस तरह से बेल के बना सकते हो, और ये भी बहुत अच्छी फूलती है। तो ये फ्राई करके दिखा देती हूँ मैं आपको, तो मैं ये दिखाने के लिए आपको बना रही हूँ, बाकी मैं उस तरह से हाथ से ही बनाती हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छे से मतलब क्रिस्पी फ्राई हुई थी और अच्छे से फूल गई थी। तो बस ये देखिए वहाँ से प्लेट गायब हो गई है ना, बच्चे चले गए हैं उसको खाने के लिए, मतलब खाने खा रहे हैं उसको, लेके चले गए हैं प्लेट को। और यहाँ पर देखिए कितनी क्रिस्पी मतलब फूली फूली पूरी बनी है, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसको। बहुत ही टेस्टी लगी थी भुट्टे की कचौरी, देखिए ये कितनी टेस्टी दिख रही है, और खाने में बहुत ही क्रिस्पी थी और टेस्टी थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये कचौरी की, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। देखिए तो यहाँ पर ये कचौरी बन चुकी है, और कचौरी बनाने के बाद हम लोग गए थे, जो मैंने मकान ख़रीदा था बहुत मतलब साल भर हो जाएगा उसको, तो बहुत पुराना मकान था। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो अभी तो कोई नहीं रह रहा है यहाँ पर, मैंने सब किराएदारों को खाली करवा दिया, 4-5 किराएदार थे सबको खाली करवा दिया, क्योंकि बहुत पुराना मकान है और पानी क्या पता कहाँ कहाँ से आता है यहाँ पर। तो देखिए इसकी बनावट से दिख रहा होगा कि अभी बहुत पुराना मकान है, मतलब इसमें पुताई कराई थी मैंने साल भर पहले, लेकिन फिर भी देखिए कितना गंदा हो गया है। और यह जामफल का पेड़, इतने जामफल बाप रे, बहुत सारे जामफल थे यहाँ पर। और मैं मतलब 4-5 दिन पहले गई थी ना, तो नीचे जामफलों का पूरा एकदम जैसे गलीचा जैसा बिछ रहा था, तो मैंने कहा कि जामफल तोड़ के लेके आऊँगी मैं, तो तोड़ते नहीं बने, थोड़े बहुत ही तोड़ते बने हैं, लेकिन फिर भी मतलब 1-1.5 किलो के आसपास जामफल तोड़ के लेके आई थी मैं। तो यहाँ पर नीचे आई मैं, और नीचे पूरे जामफल जामफल फैले हुए थे, और यहाँ पर जामफल लेने आए थे हम लोग, उसके बाद वहाँ कॉल आ गया कि कोई घर पे आया है, तो घर पे आया था ये पार्सल, और ये अमेजोन से आया है। तो जो पीजे के ब्रदर हैं कोटा में रहते हैं, तो उन्होंने राखी गिफ्ट भेजा था। तो पीजे बोल रही थी बहुत दिनों से कि मामा गिफ्ट आने वाला है, भाई ने ऑर्डर करा है, लेकिन क्या आने वाला है ये उसी को पता था। और ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसने बोला था उनको कि मुझे ये चाहिए, और आप देखिए इसमें क्या निकलता। तो ये था उसका राखी का गिफ्ट, लेट आया क्योंकि लेट ऑर्डर करा था, और वो तो बहुत खुश हो गई इसको देखकर, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो वो तो ओपन कर रही थी, लेकिन मैंने उसको मना करा था, नहीं मैंने कहा अपन सबके साथ में शेयर करेंगे इसको, और सबके साथ में ओपन ओपन करेंगे। तो देखिए ये, और पैकिंग देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे से पैकिंग करी है इसकी, देखिए। और इसका और जो रेट है ना, वो मैं देख कर चौंक गई थी, तो रेट मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, और फुल वॉच करिएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सेट आया है उसको स्केचिंग का, और बहुत अच्छा मतलब उसने ऑर्डर करा उसके भाई ने, और यहाँ पर उस कटर सब कुछ आया है जो उसको ज़रूरत पड़ती है ना, वो सब कुछ आया है इसमें। तो यहाँ पर ये चारकोल पेंसिल भी है, नॉर्मल जो पेंसिल की स्केचिंग की है वो भी है, और यहाँ पर इरेजर है, 2 तरह के इरेजर हैं, और कटर है, पेंसिल छोटी हो जाती है तो उसको मतलब उसका हैंडल भी आया, उसका स्टैंड भी आया है। तो वो तो बहुत खुश हो गई, और मतलब मुझे ओपन करते समय भी इतना वो बोल रही थी, मामा ध्यान से करो ध्यान से करो। और मतलब पैकिंग देखिए कितने अच्छे से पैकिंग है उसकी, उसको मतलब सेफ़ रहेगा, मतलब यूज़ करेगी और अच्छे से सेफ्टी से उसको रख देगी। जो उसकी एक्स्ट्रा पेंसिल है ना वो भी आ जाएगी यहाँ पर, उससे पहले भी उसने चारकोल पेंसिल ऑर्डर करी थी, उसके पास सभी पेंसिलों का सेट है, लेकिन ये जो देखा ना उसने तो देख के खुश हो गई बहुत, और इसीलिए उसने ऑर्डर करा। और यहाँ पर ये स्टम्प है, मतलब जो शेड करने के लिए रहता है ना, कि चारों तरफ शेडेड फैला दो, तो उसके लिए है, उसको ज़्यादा आइडिया है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ वो करती है ना तो मैं देखती हूँ। और यहाँ पर इरेजर, 2 तरह के इरेजर हैं यहाँ पर, और चारकोल पेंसिल तो उसके पास पहले भी थी, उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, तो यहाँ पर देख रहे हैं। और ये कटर आया है साथ में, अभी उसके पास कटर नहीं था तो बस वो जो नॉर्मल कटर आता ना उसको यूज़ कर रही थी, और ये अंदर बाहर सभी दूर हो जाता अच्छे से, देखी मतलब बहुत अच्छा है सामान, बहुत अच्छा आया है, और बहुत खुश हो गई वो तो भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और यहाँ पर ये स्टैंड है, जैसे पेंसिल छोटी हो जाती है ना तो हाथ में करने से दिक्कत जाती है, हाथ में लेके छोटी पेंसिलें तो दिक्कत देती हैं, तो ये स्टैंड है उसका, मतलब आप इसमें स्टैंड करके और फिर कर सकते हो, दोनों साइड दे रखा है। इसी के साथ यहाँ पर ये स्टम्प है जिससे शेड करते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये छोटे बड़े तीनों साइज़ के हैं। और यहाँ पर जो पेंसिल है ना, ये 18 पेंसिल हैं, तो 18 पेंसिल है, मैंने काउंट करी थी कितनी पेंसिल हैं, तो ये 18 पेंसिल हैं। और जो चारकोल पेंसिल है ना वो
3 चारकोल पेंसिल है। तो ये सब जो पेंसिल है ना, 18 पेंसिल एक ही जैसे शेड की नहीं है, ये बारीक पतली डार्क और लाइट सभी शेड की पेंसिलें हैं, तो इसीलिए ये 18 पेंसिल हैं। और कंपनी मतलब है एक जैसी लेकिन शेड अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर चारकोल पेंसिल है, इसने पहले भी ऑर्डर करी थी ना, तो वो भी इसी तरह से थी, मतलब लाइट डार्क और सभी तरह के कलर वो थे शेड उसमें। तो बहुत अच्छा मतलब गिफ्ट भेजा उसको भाई ने। तो भाई प्रांजल को तो उसका गिफ्ट मिल गया राखी का, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। प्रांजल यानी पीजे, पीजे का आर्ट एंड स्केचिंग का चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और मतलब वो बहुत खुश हो गई है देखकर, और थैंक यू बोल रही है भाई को। और यहाँ पर इसका जो रेट है ना, तो इसका रेट सुन के मैं चौंक गई थी। मैंने कहा 2000, अरे 2000 तो बहुत ज़्यादा होता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, तो 2000 देख के मैं चौंक गई थी। मैंने कहा इतना महंगा गिफ्ट बोला तुमने। फिर मैंने तुरंत उसको कॉल करा, और तो कोटा में रहते हैं वो और अभी पढ़ाई चल रही है उसकी। और ये देखिए तो इस पर 2000 लिखा है। ओरिजिनल प्राइस मुझे भी नहीं पता है कितनी है और ना ही उसने मुझे बताई है, तो यहाँ पर 2000 लिखा है इस पर। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप भी ऑर्डर कर सकते हो। बहुत अच्छा है जो स्केचिंग का उसने अमेजोन से मंगाया ना, बहुत ही सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। और ये जो आया ना उसके भाई ने जो ऑर्डर करा है मोहित ने, तो वो भी बहुत अच्छा आया है, वो तो बहुत खुश हो गई है। तो रक्षाबंधन पे भाई की तरफ से बहन को ये प्यारा सा गिफ्ट तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से। थैंक यू, बाय।